बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मिसिंग नंबर्स, फाइंड मिसिंग नंबर्स हमारी सबक अनवान है। लेकिन हमें मिसिंग नंबर ढूंढने से पहले अपनी ज़िंदगी से मनफी चीज़ें निकाल देनी चाहिए ताकि हमारे अंदर मुस्बत चीज़ों के लिए जगह बन सके। तो मनफी चीज़ें कौन सी हैं? गुस्सा, झूठ, हसद करना, ये सारी चीज़ें मनफी हैं। सच्चा होना चाहिए और हसद नहीं करना चाहिए हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, बजाय इसके कि हम गलत तरीके इस्तेमाल करें, बेईमानी, झूठ का रास्ता इख्तियार करें, चीज़ों में मिलावट करें, ज़खीरा अंदोजी करें, कम तोलें। हमें अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए। तो आज हम अपनी प्रॉब्लम करते हैं, बहुत आसान तरीका है। जैसे ये है 2+-7, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर वो है जो ब्लैंक में होना चाहिए। तो उसके लिए आसान तरीका है कि हम 7 सर्कल्स ड्रॉ करें। लुक एट द आंसर, आंसर 7 है तो 7 सर्कल हमने ड्रॉ किए और फिर जो ब्लैंक से पहले नंबर 2 लिखा हुआ है हमने उतने सर्कल्स को काट दिया। अब हम काउंट करते हैं जो अनकट, यानी वो सर्कल जिनके ऊपर हमने लाइन नहीं लगाई उनको काउंट करते हैं तो हमें मिसिंग नंबर मिल जाएगा। तो हमने देखा कि ये हमारे पास 5 सर्कल जो है ना वो बच गए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मिसिंग नंबर इज 5। तो ये उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मजीद समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं, लेकिन इसमें आपने कॉपी पेंसिल लेके खुद से पहले फाइंड आउट करना है कि जैसे फाइंड द मिसिंग नंबर यहाँ पे है 2+-5। तो हमने 5 सर्कल्स ड्रॉ किए, 1, 2, 3, 4, 5। लुक एट द आंसर, ड्रॉ दैट मैनी सर्कल्स, यानी जितना आंसर है उतने सर्कल्स ड्रॉ करें और फिर कट सर्कल अकॉर्डिंग टू द नंबर बिफोर द ब्लैंक। ब्लैंक से पहले जो नंबर लिखा हुआ है 2, हमने 2 सर्कल अनकट किया। अब यहाँ पे आप रुकें और देखें बाकी कितने सर्कल्स बच गए हैं। तो बाकी हमने काउंट किया तो 3 सर्कल्स बच गए हैं, तो हम इधर लिखेंगे फिल इन द मिसिंग नंबर जो है वो 3 है, यानी 2+3=5। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यह भी आप कॉपी पेंसिल लें और इसका नंबर खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें। हमारे पास हैं 3+-7, यानी हमने 3 में कितने नंबर ऐड होंगे कि 7 आएगा, तो हमने यहाँ पे 7 नंबर जो है ना वो हमने ड्रॉ किए। अब हम ब्लैंक से पहले हमारे पास 3 नंबर है तो हम 3 सर्कल जो है ना वो काट देंगे। अब आप यहाँ पे वीडियो को रोकें और देखें कि बाकी सर्कल कितने बच गए। तो हमारे पास जो बाकी सर्कल बच गए हैं वो हैं, शाबाश, गुड, हमारे पास 4 सर्कल बाकी बच गए हैं। तो हम काउंट तक अनकट सर्कल 4 हैं, तो हम लिखेंगे 3+4=7, द मिसिंग नंबर इज 4। जो मिसिंग नंबर है वो हमारे पास 4 आया। उसके बाद हम अगली नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है 4+-8, फाइंड द मिसिंग नंबर। हम फिर वही तरीका इख्तियार करेंगे कि हम 8 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 8 आंसर है तो हमने 8 सर्कल्स ड्रॉ किए और 4 है ब्लैंक से पहले, तो हम 4 सर्कल्स को काट देंगे। कट सर्कल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर बिफोर द ब्लैंक, यानी खाली जगह से पहले 4 था। अब यहाँ पे आप रुकें, खुद से नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास है फाइंड द मिसिंग नंबर में हमारे पास 4 आया है, क्योंकि देर आर 4 लेफ्ट आउट सर्कल्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास है 4+4=8, द मिसिंग नंबर इज 4। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 5+-6। हम वही तरीका इख्तियार करेंगे, हम 6 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। लुक एट द आंसर, ड्रॉ दैट मैनी सर्कल्स, तो 6 है तो हम 6 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। अब कट सर्कल्स अकॉर्डिंग टू द नंबर बिफोर द ब्लैंक, तो हमने इन सर्कल्स को कट कर दिया, 5 सर्कल्स को। अब यहाँ पे रुकें और देखें कि बाकी हमारे पास कितने सर्कल्स बचते हैं। हमारे पास बच गए हैं 1 सर्कल, सो द आंसर इज 5+1=6, तो सो द मिसिंग नंबर इज 1।
उम्मीद है कि आपको ये बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें से खुद से करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।